जय हिंद दोस्तों। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो जान देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आजाद। आज 15 अगस्त दोस्तों, आजादी का महोत्सव है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइप नंबर 5 हम मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने टाइप 4 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 5 से। देखिए, 300 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 60% चीनी है। बताइए कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी और पानी का नया अनुपात 3:5 बन जाए। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देखो 300 ग्राम चीनी और पानी का मिश्रण है, ये हमारे पास मिश्रण गिवन है। चीनी का और पानी का 300 ग्राम है, इसमें 60% चीनी है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 60% को फ्रैक्शन में लिखेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, बटे में 100 अगर काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। इसका मतलब क्या है, ये कुल मिश्रण है, कुल मिश्रण, और ये जो 3 है ये क्या है, इसमें चीनी है। तो हम यहां लिखेंगे चीनी और यहां लिख लेंगे पानी। चीनी 3 है और कुल टोटल 5 मिश्रण है, तो उसमें 2 क्या बच गया हमारा, ये बच जाएगा पानी। ठीक है, अब देखो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, बात पानी मिलाने की कर रहा है। चीनी हमने क्या रखनी पड़ेगी, इसमें बराबर रखनी पड़ेगी, और ताकि नया अनुपात क्या हो जाए, 3:5 हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:5 हो जाए। देखो इसमें पानी मिलाया जा रहा है, चीनी पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चीनी जो क्वांटिटी है चीनी की वो सेम रहेगी। अब देखो यहां पर चीनी की क्वांटिटी 3 है, यहां पर भी 3 है, ऑलरेडी क्या है, सेम है, तो हमने सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहां पर 2 होता और यहां पर 3 होता तो फिर हम यहां पर एलसीएम लेकर चीनी को क्या कर लेते, क्वांटिटी को बराबर कर लेते। इस क्वेश्चन में सिर्फ जो लॉजिक है वो ये है कि इसमें जो चीज मिलाई जा रही है ना, जैसे पानी मिलाया जा रहा है, तो चीनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चीनी की क्वांटिटी बराबर रहेगी। बस हमने चीनी को बराबर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, बराबर है ऑलरेडी, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 300 ग्राम का मिश्रण है टोटल, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 3 और 2 5, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 300 ग्राम का, तो कितने गुना है ये, 60 गुना है। अब बात कर रहा था कि कितना पानी और मिलाया जाए, पहले मिश्रण में 2 पानी है, अब 5 हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब उसने कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 3। ठीक है, 3 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग पानी मिलाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कितना, ये 60 गुना आया है एक यूनिट की वैल्यू, तो इसको 60 गुना कर देंगे तो 3 6 18, 180 ग्राम, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझो, 300 ग्राम चीनी और पानी का मिश्रण है, ये 300 ग्राम है, इसमें 60% चीनी है, 60% को फ्रैक्शन में ले आए, कुल टोटल 5 है, चीनी उसमें 3 है, 3 चीनी, तो 2 क्या बच गया हमारा, पानी बच गया। अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है, कि चीनी और पानी का नया अनुपात क्या बन जाए, 3:5 बन जाए, चीनी इसमें बराबर रहेगी, चीनी को हम बराबर कर लेंगे, ये पहले ऑलरेडी बराबर है तो हमने करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर देखो 3 और 2 5, टोटल मिश्रण कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 5 है, लेकिन क्वेश्चन में 300 ग्राम का मिश्रण दे रखा है, तो 5 को 300 के बराबर रख देंगे, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। पानी क्या था, पहले 2 था, अब 5 हो जाना चाहिए, तो इसमें 3 यूनिट हम मिलाएंगे हमारे अकॉर्डिंग, तो हमने एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60, 60 से गुणा कर देंगे, तो 3 6 18, 60 से 3 को गुणा किया तो 180 ग्राम, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 180 ग्राम हमने पानी मिलाना पड़ेगा, तब हमारा मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। टाइप नंबर 6 देखें। टाइप नंबर 6, 81 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, तो बताइए कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नया अनुपात कितना बन जाए, 3:5 बन जाए। देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी मिश्रण ले लो आप, नमक का, पानी का, दूध का, पानी का, जो उसमें से मिलाया जा रहा है ना,
पानी मिलाया जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, दूध और पानी का मिक्सर है और इसमें क्या मिलाया है, पानी मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, तो हमारे पास जो पहले वाली क्वांटिटी है ना, जैसे दूध है, दो मिक्सर है ना, दूध का और पानी का, अगर पानी मिला रहा है तो हमने दूध को बराबर रखना है, अगर दूध मिला रहा है तो पानी को बराबर रखना है, बस ये चीज है इसमें लॉजिक। चलिए शुरू करते हैं, कैसे, देखो 81 लीटर का मिश्रण है, उसमें कितना है दूध और पानी, देखो टोटल है 81 लीटर का, ये क्या है मिश्रण है टोटल, जिसमें दूध और पानी है, यहां पर लिखेंगे दूध और यहां लिखेंगे पानी, ठीक है, दूध और पानी किस रेशियो में, ये 5:4 में दे रखा है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अब कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना बन जाए 3:5 में, 3:5 कितना बन जाए 5 बन जाए। अब आप देखोगे दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दूध की क्वांटिटी ऑलरेडी बराबर दे रखी थी, इसलिए हमने बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर क्या है, देखो 5 दूध है 3 पानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको करेंगे 5 से गुणा, इसको करेंगे 3 से गुणा, एलसीएम पर गुणा हो जाएगा, अगर यहां पर 3 से गुणा किया है ना तो 3 से यहां पर भी करना पड़ेगा, अगर यहां 5 से गुणा किया है तो 5 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा। अब ये क्या जाएगा, 5 × 3 = 15, यह जाएगा 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25। अब देखो टोटल मिश्रण 81 लीटर का है, हमारे अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, देखो 12 ये है और 15 ये है, कितना हो जाएगा 27 लीटर, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81 लीटर है, यानी 3 गुना। अब यहां से देखेंगे पहले मिश्रण में जो पानी था ना वो 12 लीटर था और दूसरे में मिश्रण में वो 25 लीटर हो जाता है, इसका मतलब कितना पानी मिलाया है इसमें 13 लीटर पानी मिलाया गया है, और एक यूनिट की वैल्यू में पता है कितनी है 3 है, तो 13 की कितनी हो जाएगी 13 × 3 = 39, तो हम कह सकते हैं कि पानी कितना मिलाना पड़ेगा उसमें 39 लीटर मिलाना पड़ेगा, तब मिश्रण का नया अनुपात क्या बन जाएगा 3:5 बन जाएगा। ऐसे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आगे देखें टाइप नंबर 7, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है, अगर इसमें से 20 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाए, इवेपोरेटेड हो जाए, मतलब पानी का वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना, अगर 20 लीटर पानी का इवेपोरेटेड हो जाता है वो पानी, तो नमक की मात्रा 15% हो जाती है मिश्रण में, तो हमने बताना है कि आरंभ में मिश्रण की मात्रा क्या थी। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हम जितने भी अब क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे आगे एडवांस लेवल के चल रहे हैं हमारे। देखो इसमें क्या है, 5% नमक है, समझने की कोशिश करना, 5% का मतलब हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो यहां पर 100 और ये हो जाएगा 1/20, यहां तक ठीक है, 20 का मतलब क्या है, ये कुल मिश्रण है जिसमें क्या है नमक है और पानी है, और ये एक ये क्या है हमारा, ये नमक है, क्योंकि 1:20 = 5% है, ठीक है, तो नमक कितना है 1, तो हम यहां लिखेंगे रेशियो नमक और यहां लिखेंगे पानी, ठीक है, नमक है 1 और पानी कितना रह गया, टोटल 20 है मिश्रण और 1 अगर नमक है तो 19 रह गया पानी, ये लिख दिया हमने वाटर। अब देखो 20 लीटर पानी इवेपोरेटेड हो जाता है तो नमक की मात्रा परसेंट कितनी हो जाती है, 15% बच जाती है। अब देखो दूसरी कंडीशन में 15%, अब इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, कितना 5 × 3 = 5 × 2 = 10 और ये 3/20, ये तो हो जाएगा हमारा कुल मिश्रण नमक का और पानी का, और अब ये क्या हो जाएगा, ये नमक है, क्योंकि 3 जो है ना ये 20 का कितने परसेंट है 15% है। अब देखो नमक यहां पर कितना है 3 और टोटल मिश्रण कितना है, कुल 20 लीटर का मिश्रण है, 3 क्या उसमें नमक आ गया, तो 17 क्या बच गया हमारा, पानी बच गया,
यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर इसमें से 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है ना, तो इसका मतलब नमक की क्वांटिटी सेम रहेगी मिश्रण में, हमने नमक को सेम करना है। अब यहाँ पर कितना नमक है, एक, यहाँ पर कितना है, तीन, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तीन आ जाएगा, तीन से हम गुणा करेंगे इसको और एक को गुणा करेंगे इसको, ये हो जाएगा तीन, और तीन को यहां भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 57, एक से यहां किया है तो एक से यहां भी, और ये हो जाएगा 17, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3। नमक कितना हो गया, नमक की क्वांटिटी हमने सेम कर दी 3। अब देखो अगर इसमें से 20 लीटर पानी का वाष्पीकृत हो जाता है, देखो यहां पर पानी कितना है 57 है और यहां पर कितना है 17 है, कितना कम हुआ है यहां से, कितना वाष्पीकृत हुआ है पता चल जाएगा। देखो कितना, 57 में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा 40, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 लीटर वाष्पीकृत हुआ है तो यहां पर 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2, समझे। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ गई, हमने बताना कि आरंभ में मिश्रण की मात्रा क्या थी, आरंभ में मिश्रण की मात्रा ये थी और वाष्पीकृत होने के बाद मात्रा ये है, 3 और 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल मिश्रण, 3 और 57 को जोड़ो कितना, 60, ये कुल मिश्रण है आरंभ में, और एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, 1/2, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 1/2 गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 30 लीटर। तो आरंभ में जो मिश्रण की मात्रा थी बच्चों वो कितनी थी, 30 लीटर थी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एडवांस लेवल का क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल का, टाइप नंबर 8 देखो, टाइप नंबर 8 देखो, 12 लीटर अमल और पानी के मिश्रण में 30% अमल है, बताइए मिश्रण में से कितना पानी निकाल लिया जाए कि अमल की मात्रा 40% रह जाए। अब देखो टोटल मिश्रण कितने लीटर का है, 12 लीटर का, ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल मिश्रण। अमल मिश्रण में कितना है, 30% है, तो हम फ्रैक्शन में ले लेंगे 30% को, 30/100, तो ये हो जाएगा 3/10, ये तो हमारा हो जाएगा कुल मिश्रण जिसमें अमल और पानी है, और ये 3, ये हो जाएगा हमारा अमल, ठीक है, क्योंकि 3/10 का कितने परसेंट है, 30% है, तो हम यहां लिखेंगे अमल और यहां लिखेंगे पानी, 3 अमल है 10 में से, टोटल 10 में से तो पानी कितना रह गया, 7, ये रेशियो आ गया पहले वाला। अब बताइए कि मिश्रण में से कितना पानी निकाल लिया जाए कि अमल की मात्रा कितनी हो जाए, 40%, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 40% अमल रह जाए तो हम कह सकते हैं 2/5, टोटल मिश्रण अगर 5 लीटर का है तो इसमें से 2 क्या है, अमल है, तो यहां पर अमल कितना, 2 रह जाना चाहिए टोटल 5 में से, यानी 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी। अब देखो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, इसमें से निकाला गया है पानी और इसमें अमल की जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, अमल की क्वांटिटी यहां पर सेम नहीं है, पहले मिश्रण में 3 है तो इसमें 2 है, इसको बराबर करेंगे एलसीएम 6 पर, तो 2 से गुणा, यहां भी क्या 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां पर 3 से गुणा, यहां भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो 3 × 6 और 2 × 6, 3 और 2 था ना, इनका एलसीएम ले लिया, बराबर कर दिए, अगर 2 से यहां गुणा किया तो 2 से यहां भी, 3 से गुणा किया 3 से यहां भी, अभी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, अमल बराबर हो गया। यहां पानी कितना है, 14 लीटर है, यहां पर 9 है, अब देखो 14 से कितना निकाला है, 14 से पहले मिश्रण में जो पानी था वो 14 लीटर था, अब 9 रह जाता है, इसका मतलब 5 लीटर पानी निकाल लिया गया है, ठीक है, और टोटल मिश्रण कितना है, 12 लीटर का है, यहां पर 14 पानी है पहले इसमें मिश्रण में, और 6 क्या है यहां पर, अमल है, टोटल मिलाकर 14 और ये 6, 20 लीटर हम कह सकते हैं कुल कितना है, 20 लीटर का मिश्रण है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
कितना है 12 लीटर का दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 12/20। अगर आप इसे और काटना चाहें तो 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, 3/5 गुना एक यूनिट की वैल्यू आ गई। और यहां पर हमने देखो 14 लीटर पानी था, 9 रह जाता है, इसका मतलब 5 यूनिट निकाला गया है हमारे अकॉर्डिंग। अब हमने इसको क्या है 3/5 गुणा करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5 गुणा, तो 5 को अगर हम 3/5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 लीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अमल और पानी के मिश्रण में 30% अमल था, 30% को ऐसे तोड़ लिया 3/10, 10 में से 3 अमल है, 3 अमल 7 पानी, दूसरी कंडीशन में 40% रह जाना चाहिए अमल, 2/5 कुल 5 है, 5 में से 2 अमल है, 3 क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। अब देखो टोटल मिश्रण दे रखा है 12 लीटर का और यहाँ पर अमल कितना था 3 था, यहाँ पर 2 था, अमल की क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अमल को हमने क्या कर लिया बराबर कर लिया 6 2 से गुणा कर दिया, 2 से यहाँ पर 3 से 3 से गुणा, ठीक है। यहाँ पर 6 अमल है मिश्रण में, 14 पानी, टोटल मिला के 20 लीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है 12 लीटर, एक यूनिट की वैल्यू 3/5, पहले था पानी 14 लीटर, अब है 9 लीटर, कितना निकाला है 5 लीटर, तो इसको हम 3/5 कर देंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा 3 लीटर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे दोस्तों, आज हमने जो है ना 8 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, अगली क्लास में करेंगे टाइप नंबर 9 से शुरू, तब तक के लिए जय हिंद।